हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं जी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। नंबर 1 पे आता है मोटो G60S। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का हेलो G95, डिस्प्ले इसमें 6.8 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+8+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 15,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं मोटो मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अक्टूबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Huawei P50। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 888, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका OLED। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 50+13+12 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 13 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4100 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 45,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 45,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 अक्टूबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Xiaomi Mi Max 4। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 888+, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका AMOLED। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 108+8+13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 50,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 50,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 अक्टूबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है ZTE V2020 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800, डिस्प्ले इसमें 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,999। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ZTE इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 6 अक्टूबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है HTC Desire 20 Plus। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 720G, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+5+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 15,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं HTC इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है।
अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अक्टूबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों इन थे टॉप अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट यूर टाइम।